स्कैन स्टैंड्स फॉर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। पेशेंट बहुत परेशान होते हैं कि ये स्कैन कैसे परफॉर्म होगा, या ये कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्कैन है, या इसके कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। इट इज जस्ट सिंपल अ फीटल वेलबींग स्कैन जो कि आप 11 to 14 वीक्स पे आके हमसे करवाते हैं। इस अल्ट्रासाउंड के अंदर हम बच्चे की न्यूकल ट्रांसलूसेंसी मेजर करते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी क्या होती है। इस इमेज में देखिए कि बच्चे की गर्दन की बैक पे एक स्पेस है, ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ब्लैक कलर की जो आपको नजर आ रही है, रेड लाइन से हाईलाइट हुई हुई है, दिस इज कॉल्ड एंटी। ठीक है, तो इस स्पेस को हम मेजर करते हैं और इसकी मेजरमेंट 3 mm से कम आनी चाहिए। इस को मेजर करने के कुछ खास क्राइटेरिया होते हैं जो कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं कि बेबी को हमें मिड सेजाइटल पोजीशन में लेना होता है और उसका ये सारे स्ट्रक्चर्स जो ऊपर मेंशन है ये हमें उसको मिड सेजाइटल पोजीशन पे लाकर फिर हम ये मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, और ये मेजरमेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 mm से कम होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे की गर्दन के बैक पे ये पैमाइश 3 mm से ज्यादा आ रही है तो इस बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज या डाउन सिंड्रोम या दूसरी स्ट्रक्चरल नकाइस होने का खतरा होता है। तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि 11 टू 14 वीक पर जरूर अपने रेडियोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपना एनटी स्कैन करवाइए ताकि वो ये तमाम चीजें आपकी डिटेल से देख सके कि आया कि आपका जो बेबी ग्रो कर रहा है वो सही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है और नॉर्मल ग्रो कर रहा है।